देश भर के साथ बेटमा में भी नवरात्रि पर्व कोरोना गाइडलाइन के तहत मनाया जा रहा है। सीमित मात्रा में पंडालों में स्थापित की गई नगर में दुर्गा प्रतिमाओं के साथ नगर के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर और अति प्राचीन माँ अमन चैन की टेकरी पर श्रद्धालुओं की उतनी भीड़ नहीं है जैसी हर वर्ष देखने को मिलती थी। लेकिन फिर भी कोरोना काल में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था ही माता रानी के दर तक पहुँचा रही है। नगर में माँ अमन चैन की टेकरी पर जहाँ नवरात्रि के शुरुआती दिनों में घोर अंधेरा छा रहा था, वहीं अब रोशनी से जगमगा उठा है। प्रतिवर्ष नवरात्रि के पावन पर्व पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। साथ ही इसी जगह पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दशहरा भी मनाया जाता है, जहाँ निशानेबाजी घोड़दौड़ों का आयोजन भी होता है। पिछले 45 वर्षों से दशहरा का आयोजन सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति करती है, जिसमें सभी धर्म और वर्गों के लोग सम्मिलित होते हैं। किंतु पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के चलते स्थानीय विधायक और उनकी टीम द्वारा दलगत राजनीति करते हुए इस आयोजन को किया गया था। लेकिन इस बार नवरात्रि से शुरुआती दिनों में 4 दिनों में उनकी टीम द्वारा परिसर में लाइट तथा पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, जिससे श्रद्धालु परेशान होते हुए माता जी के मंदिर पहुँचे थे। तब इन समस्याओं से बब्बी दरबार को अवगत कराया गया तो उन्होंने दलगत राजनीति से परे हटकर बेटमा नगर की जनता की परेशानी को देखते हुए तत्काल जल तथा प्रकाश की व्यवस्था करवाई, सीढ़ियों की पुताई करवाई। माता मंदिर में हुई इस अनुकरणीय पहल का सभी श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है। बेटमा संवाददाता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।